मसाई मारा, पूर्वी अफ्रीका के विशाल खुले मैदान, बारिश के चक्रों द्वारा शासित इस असाधारण उपजाऊ इलाके में पृथ्वी के सबसे शानदार वन्यजीव नजारे दिखाई देते हैं। साल में एक बार 20 लाख जानवर इन मैदानों में इकट्ठा होते हैं। यह धरती का सबसे बड़ा घास चरने वाले जीवों का जमावड़ा है, और जहां घास चरने वाले जीव होंगे वहां शिकारी जानवर भी आएंगे ही। अफ्रीका में कहीं और से ज्यादा मांसाहारी और मुर्दाखोर जानवर यहां रहते हैं। ये सभी शाकाहारियों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, और इस तरह मसाई मारा में संतुलन कायम करते हैं। विशाल काय और भद्दे से लेकर खूंखार और खूबसूरत तक, लेकिन इस जंगली भूमि में दो लेखनीय प्रजातियां बहुत महत्व रखती हैं। उनका रिश्ता क्रूर है और अफ्रीका में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी। शेर धरती की एकमात्र मिलनसार बिल्ली की प्रजाति। इनकी ताकत छिपी है इनकी पारिवारिक एकता में, आत्मीय रिश्तों वाला परिवार। ये एक दूसरे को आराम और सुरक्षा देते हैं। ये परिवार मसाई मारा के केंद्र में स्थित टोपी मैदान में रहता है। परिवार में चार शेरनिया और उनके शावक हैं। शावकों को उनकी शेरनी माएं ही पाल पोस कर बड़ा करती हैं, और इन सब की सुरक्षा कर रहे हैं तीन शक्तिशाली शेर। ये आपसी गठबंधन दो भाइयों और एक बड़े मुखिया शेर के बीच है। ये साथ मिलकर रहते हैं और अपने परिवार और इलाके को सुरक्षित रखने के लिए जान देने से भी नहीं हिचकते। शावक पूरी तरह शेरों के संरक्षण और शेरनियों के अनुभव और शिकार कौशल पर निर्भर हैं। उत्तर में कुछ किलोमीटर दूर नदी के मुहाने पर इनके सबसे बड़े शत्रु रहते हैं। लकड़बग्घे, ये अजीब जंतु बहुत ही जटिल और सामाजिक होते हैं। ये झुंड करीब 40 लकड़बग्घों से मिलकर बना है, जिनका नेतृत्व कर रही है एक अनुभवी और बुद्धिमान मादा। यही इन्हें एक साथ और संतुलित रखती है। लकड़बग्घों की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है, पर हकीकत में ये पूरे अफ्रीका के सबसे समझदार मांसाहारियों में आते हैं। इनकी बुद्धि का स्तर चिंपांजी के जितना होता है। मादाओं में टेस्टोस्टेरोन का स्तर नर की अपेक्षा 3 गुना होता है। ये काफी बड़ी और गुस्सैल होती हैं। रानी अपनी बेटियों और बहनों के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकती। उनके साथ वो शिकार का नेतृत्व करती है और शावकों को बड़ा करती है। इस मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के बल पर ही
लकड़ बग्घे इन मैदानों में हजारों सालों से फल फूल रहे हैं। ये जून का महीना है और अब सबसे बड़ा विल्ड बीस्ट प्रवास मसाई मारा आने वाला है। अफ्रीका में यहाँ सबसे अच्छा चारा उगता है और हर साल कई महीनों तक बड़े बड़े झुंड यहाँ चढ़ने आते हैं। शेर टेरिटोरियल होते हैं और हर परिवार इन विस्तृत मैदानों के एक छोटे इलाके को ही नियंत्रित करता है। ये सिर्फ उन्हीं जानवरों का शिकार कर सकते हैं जो इनके इलाके में आए, और जब तक वो चले तब तक निश्चिंत उसे खाते रहते हैं। शेर 90% शिकार रात के अंधेरे में ही करते हैं। परिवार में अभी 11 शावक हैं और उनकी बढ़ती भूख से शेरनियों पर लगातार शिकार करने का दबाव बन रहा है। ये एक दूसरे को बुला रही हैं और अंधेरे का फायदा उठाते हुए साथ में शिकार करेंगी। शेरनी विल्डबीस्ट को गिराने की कोशिश कर रही है। विल्डबीस्ट पंजों की मदद से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। मुश्किल लड़ाई है, पर बिल्कुल सही वक्त पर मदद मिल गई। बाकी का परिवार भी भोजन पर आ गया। बड़ा शेर सबकी रक्षा करने वाला बड़ा हिस्सा चाहता है। ये शेरनियों और शावकों को खाने दे रहा है, पर यह जता भी रहा है कि परिवार का मुखिया कौन है। बड़े नर अपनी असीम ताकत के बल पर अपना प्रभुत्व जमाए रखते हैं। जिस शेरनी के बच्चे सबसे छोटे हैं, वो धीरज से माहौल के शांत होने की प्रतीक्षा कर रही है। धीरे धीरे टोपी मैदानों के शेर परिवार में फिर से शांति बहाल हो रही है। इनकी भूख शांत हो चुकी है, सबने पानी भी पी लिया है, अब आराम करने की सख्त जरूरत है। सबसे छोटों की बारी। ये आराम से और सुरक्षित रूप से खा सकते हैं। सुबह की पहली किरण। झुंड को रात में सफलता नहीं मिली और अब ये सुबह सुबह ही इकट्ठा हो रहे हैं।
लकड़बग्घों को हमेशा बचा खुचा खाने वाला और अवसरवादी चोर मारा गया है। लेकिन सच ये है कि ये बहुत ही कुशल शिकारी होते हैं। एक झुंड मिलकर ज़ीब्रा जितने बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम है। लकड़बग्घे झुंड को पैनी नजर से देख रहे हैं। इन्हें तलाश है किसी छोटे बछड़े या फिर कमजोर वयस्क विल्डबीस्ट की। सवाना में जीवित रहने के लिए इन्हें अपने दिमाग के साथ साथ जबड़ों का भी बखूबी इस्तेमाल करना होगा। विल्डबीस्ट के झुंड ने खतरा भांप लिया है और इनमें घबराहट बढ़ रही है। रानी के निर्देशन में लकड़बग्घे इशारों और नजरों से ही चुपचाप शिकार की रणनीति और योजना बनाने में सक्षम है। धीरे धीरे ये घेरा छोटा कर रहे हैं, पर ये तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक रानी इशारा ना दे। ये विल्डबीस्ट के झुंड में घबराहट बढ़ा रहे हैं। बछड़ों को मांओं से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और सफलता मिल गई। शिकार में शामिल सभी सदस्य अब भोज का आनंद लेने इकट्ठे हो रहे हैं। लकड़बग्घे इंतजार नहीं करते, अपने शिकार को जिंदा खा जाते हैं। एक विल्डबीस्ट को साफ करना इनके लिए कुछ ही मिनटों का काम है। लकड़बग्घों की मान में शावक अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो भोजन की तलाश में बहुत दूर दूर तक गई हैं। ये कई दिनों से अकेले रहे हैं और माँ को फिर से देखने की खुशी बहुत ज्यादा है। स्वागत जोर शोर से किया जा रहा है और वातावरण में उत्साह फैल गया है। सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को सूंघते हुए। सबको मिलने की खुशी है। छोटी शहजादियां खुशी खुशी बढ़ रही हैं, खेलते कूदते, नए दोस्त बनाते और बड़ों की नाक में दम करते हुए। रानी और उसकी बहनें आराम कर रही हैं, पर खेलने के शौकीन शावकों को आराम से क्या लेना देना। इन महीनों में घास चरने वाले जानवर पूरे मैदान में फैल जाएंगे, चरने की सबसे सुरक्षित जगह की तलाश करते हुए। शेर इस स्थिति का फायदा उठाकर शिकार मारने की कोशिश करेंगे। शेरनी आगे बढ़ रही है, घात लगाने की तैयारी के लिए सबसे अच्छी जगह की तलाश में। इनमें धीरज है क्योंकि ये अच्छे रणनीतिकार हैं। पर शिकार करना मुश्किल है, बहुत सारी आंखें सतर्क हैं। टीम में काम करते हुए ये अपनी अपनी जगह लेती हैं। झाड़ी में छुपकर खाद लगाई जा सकती है। सफलता तभी मिलेगी जब ये किसी को दिखाई ना दें। दे
जितना हो सके उतना पास जाना होगा। शेरनियां 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। ज्यादा देर तक नहीं, तो 20 जान बचाते हुए भाग निकले। पर मुखिया शेरनी ने मौका नहीं गवाया। परिवार की अच्छी दावत हो जाएगी। अक्टूबर का महीना है, मौसम बदल रहा है। सूखी और गर्म हवा बादलों को दक्षिण की ओर धकेल रही है। बमुश्किल कोई ताजी घास बची है। घास अंकुरित हो रही है पर जल्द ही सूख जाएगी। शेरों और लकड़बग्घों से उलट विल्डबीस्ट सीमा के बंधन में फंसे बिना ताजा घास की तलाश में पूरे सवाना में स्वच्छंद घूमते रहते हैं। अब ये मसाई मारा छोड़कर जा रहे हैं। ये दक्षिण की ओर जाएंगे, शेरों और लकड़बग्घों की धरती को पीछे छोड़ते हुए। बारिश नहीं आ रही, सारी जगह सूखी और बंजर हो चुकी है। विल्डबीस्ट अभी एक साल तक वापस नहीं आएंगे। अब शेरों के परिवार को अभावों में दिन गुजारने होंगे। खाना मिलना अब मुश्किल हो जाएगा। नन्हे शावकों का भविष्य अंधेरे में है। सब वयस्क नहीं हो पाएंगे। आगे आने वाली मुश्किल घड़ियों का सामना करने के लिए शेरनियों को पहले से ज्यादा एकता रखनी होगी। बड़े झुंड का जाना लकड़बग्घों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आएगा, पर इनके जीने का अंदाज इन्हें कठिन परिस्थितियों में आसानी से ढल जाने में सक्षम बनाता है। पूरा झुंड अब छोटे छोटे समूहों में बट गया है, जो भोजन की तलाश में पूरे इलाके में घूमेंगे। रानी की निगाहें आसमान की तरफ है। इसने ये तरकीब अपनी मां से सीखी है कि गिद्धों को देखो, वो जहां उतरेंगे वहां खाना मिलेगा। आसमान में उड़ने वाले मुर्दाखोरों और रानी की बुद्धिमत्ता की बदौलत समूह को एक हिरण का शव मिल गया। मौका अच्छा मिला, पर लकड़बग्घों के गुट के बीच खाना इतना आसान कहां है? बड़े छोटे का पक्का भेदभाव है। रानी पहले खाएगी, फिर उसकी बेटियां और बहनें, और आखिर में नर। उन्हें हमेशा आखिर में खाने को मिलता है। इसीलिए लकड़बग्घे हंसते हैं। उनकी हंसी के स्वर और अलग अलग आवाजों से झुंड को पता चलता है कि कौन कौन है, किसकी उम्र कितनी है और उनका सामाजिक स्तर क्या है। इस तरह हर एक के इरादे बाकी का झुंड तुरंत समझ जाता है। इतने बड़े समाज में ऐसी जटिल भाषा आवश्यक है। इसी तरह ये गठबंधन बनाते हैं।
नर और अधीनस्थ मादाओं को बिना किसी परवाह के बार बार बाहर निकाल दिया जाता है। इन अभाव के दिनों में भोजन को लेकर होड़ जबरदस्त रहेगी। झुंड के सभी सदस्य एक एक करके आ रहे हैं, लेकिन रानी ने सारे ही मांस पर कब्जा जमा लिया है। लकड़बग्घे आमतौर पर भोजन को मान में नहीं ले जाते, लेकिन इस समय शावक पास ही है। शावक अपनी मां का इंतजार अकेले ही करते हैं, अधिकतर तो कई कई दिनों तक। मादा लकड़बग्घे के स्तन का दूध सभी मांसाहारियों में सबसे ऊर्जावान होता है। ये शावकों को इतनी ऊर्जा दे देता है कि अपनी मां के आने की प्रतीक्षा करते हुए ये लंबे समय तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। इन्हें 1.5 साल तक स्तनपान कराया जाता है। ये कम से कम 5 महीने की उम्र तक मांस नहीं खाते और 1 साल का होने से पहले झुंड के साथ शिकार पर जाना शुरू कर देते हैं। शावकों के बीच भी खाने के दौरान ऊंच नीच का भेद होता है। वयस्क उन्हें ये नियम सिखाते हैं। हालांकि ये नन्हे पूरी तरह संरक्षित होते हैं और इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती, पर मां मौजूद है तभी तक। अगर वो लड़ाई में मारी गई तो इनका भाग्य रातों रात पलट जाता है। विशाल मैदान खाली है। घास चरने वाले 90% जानवर चले गए, इसलिए अब शिकार ढूंढना मुश्किल है। भोजन की तलाश में झुंड पूरे इलाके में बिखर गया है। जो भी जानवर मिलेंगे ये उन्हें परखेंगे। घायल जीब्रा काफी लजीज हो सकता है। पर एक लकड़बग्घे के लिए बहुत मुश्किल है। झुंड अभी भी तलाश में है। लकड़बग्घे शिकार की आवाज 10 किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं। एक चीते ने दौड़ना शुरू किया है। इन मैदानों में रानी के असाधारण बोध से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। चीते का आधे से ज्यादा शिकार ये सवाना के चोर ले जाते हैं। ये जितना हो सके उतना झटपट खा रहा है। जल्द ही ये लकड़बग्घों से घिर जाएगा। अपने भोजन को बड़ी बहादुरी से बचा रहा है, पर एक शक्तिशाली झुंड की रानी के सामने एक चीता ज्यादा कुछ नहीं कर सकेगा। यह भूखा है और यह शिकार इसने खुद मारा है, पर अगर यह लड़ाई से भागेगा नहीं तो अपनी जान गंवा देगा। अगर भूख शांत नहीं हुई तो लकड़बग्घे इसे मारने में भी झिझकेंगे नहीं। रानी से अब इंतजार नहीं हो रहा, वो हिरण का शव छीन लेती है। और ये वो दिन है जब बांटना मना है।
अब यहां कोई खाना नहीं बचा। लकड़बग्घों को पता है कि अब शेर के परिवार का सामना करने का वक्त आ चुका है। आज रात दबे पांव दुश्मन के खेमे में घुसेंगे। भूख से बचना है तो जान के मुंह से निकलना होगा। शेर शेरनियों से काफी दूर इलाके के पश्चिमी हिस्से में है। साल के इन दिनों में परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं दूसरे शेर। टोपी के मैदान बहुत बड़ा इलाका है और राजा निर्णय लेते हैं कि अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करने के लिए उन्हें अलग अलग बंटना होगा। एक भाई उत्तर की ओर जाएगा, ठीक वहां जहां लकड़बग्घों ने घुसपैठ कर रखी है। इसे अंदाजा भी नहीं था कि यह दुश्मनों से घिरने जा रहा है। ये लकड़बग्घों का संहारक है। इन्हें इससे डर भी है और नफरत भी, क्योंकि इसने इनके झुंड के कुछ सदस्यों को मार डाला था और अभी ये संख्या में इतने नहीं है कि एक शेर का सामना कर ले। शेर को पता है कि इनके हाथों जान गंवाना बेवकूफी होगी। जल्द ही ये इतने सारे इकट्ठे होकर आएंगे कि ये अकेला उनसे नहीं लड़ पाएगा। जब रात होगी तो लकड़बग्घे इस दुश्मन को मारने का मौका नहीं छोड़ेंगे। मुखिया शेरनी ने एक टोपी को मारा है। इसने शिकार बिल्कुल शांति से किया और गजब की फुर्ती से भी, ताकि दुश्मनों का ध्यान आकर्षित ना हो। पर लकड़बग्घे शेरों का पीछा रात भर से कर रहे हैं। शेरनी जल्दी जल्दी खा रही है, क्योंकि परिवार के शेर काफी दूरी पर हैं। ये ज्यादा वक्त यहां नहीं रुक पाएंगे। रानी ने झुंड को बुला लिया है। ज्यादा से ज्यादा लकड़बग्घे पहुंच रहे हैं। लकड़बग्घों को एकता की शक्ति का महत्व मालूम है। अपने शक्तिशाली दुश्मन के मुंह का निवाला छीनने के लिए इन्हें कम से कम 20 तो होना ही होगा। ये लड़ाई जीतने के लिए इन्हें चाहिए सावधानी, समझदारी और हिम्मत। पर सबसे जरूरी है अपनी तरफ ज्यादा साथियों का होना। शेरनियों को लकड़बग्घों के मजबूत जबड़े का डर है। धीरे धीरे ये घेरा छोटा कर रहे हैं। अगर रानी ने हमले का इशारा दे दिया तो दुनिया की कोई शक्ति लकड़बग्घों को नहीं रोक सकती। झुंड पूरे शिकार को मिनटों में चट कर डालेगा। हड्डियां तक नहीं बचेंगी।
शेरनियां बिना थके शिकार करेंगे और लकड़बग्घे जान की बाजी लगाकर उनका शिकार लूटते रहेंगे। झुंड ने शेरों को इतना दुखी कर डाला है कि एक रात तो शेरनी को अलग अलग प्रजाति के 5 जीवों को मारना पड़ा। इस तरह ये सवाना में संतुलन बनाए रखते हैं। अगर शेरनी अकेले शिकार करेगी तो शिकार इतना छोटा होगा कि वो उसे चख भी नहीं पाएगी और वो लूट लिया जाएगा। दो शेरनियां मिलकर बड़ा शिकार मार पाती हैं। इससे इनका दुश्मन थोड़ा ज्यादा देर ठहरा रहता है और इन्हें कुछ खाने को मिल जाता है। शेर और लकड़बग्घे दोनों साक्षात मौत के अवतार हैं और बिना जाने इन्होंने जीवन की डोर का हिस्सा भी थाम रखा है। एक और नई सुबह। कल रात की लूट खसोट के बाद झुंड कुछ हद तक संतुष्ट है, पर कई लकड़बग्घे घायल हो गए और कईयों की तो जान ही चली गई। परिवार का एक भाई अकेला है और लकड़बग्घों से घिरा हुआ है। रानी अपने शत्रु को चैन से नहीं रहने दे सकती और अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करने का मौका भी नहीं छोड़ सकती। शेर को मालूम है कि अगर इसने बचा कुछ शव नहीं छोड़ा तो उसे जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ेगा। इसे मदद चाहिए, ये अपने भाई को बुला रहा है। पर इसके भाई ने लकड़बग्घों के इलाके में अकेले जाने की गलती कर ली थी और अब गंभीर रूप से घायल है। वो मदद नहीं कर पाएगा। लकड़बग्घे इसे मार तो नहीं पाए पर इतनी गंभीर चोटें दे दी हैं कि संभवतया ये सूखे मौसम में जिंदा ना रह पाए। बिना भाई की मदद के अच्छा यही होगा कि मुट्ठी भर हड्डियों के लिए खतरा ना उठाया जाए। पर लकड़बग्घों के लिए ये अच्छा खासा खाना है। एक अंगुलक की हड्डियां दुनिया में और कोई भी नहीं पचा सकता। ये झुंड जिंदगी मजे में बिता रहा है, उधर टोपी मैदानों के शेरों का परिवार भूखों मर रहा है। टोपी मैदानों के लिए सूखे का मौसम बहुत मुश्किल दौर लेकर आता है। शेरनियों के बच्चे कमजोर और पतले दुबले हो चुके हैं।
ये किशोर शावक माँ का लाड़ पाने आया है। कुछ महीनों पहले परिवार में 18 सदस्य थे, पर अब तक आधे शावक मर चुके हैं। और एक शेर गायब है। सबसे छोटा शावक मां के दूध से भूख शांत करने की कोशिश कर रहा है, पर सबके लिए ये भी काफी नहीं। परिवार की सुरक्षा के लिए केवल दो शेर हैं और शावक भूख से तड़प रहे हैं, यानी परिवार बहुत मुश्किल समय का सामना कर रहा है। घास चरने वाले झुंड के आने में अभी बहुत देर है, शेरनियां और इंतजार नहीं कर सकती। अगर जल्द ही कोई शिकार नहीं किया तो ये खुद भी कमजोर हो जाएंगी। और फिर इनमें से किसी के लिए कोई उम्मीद नहीं रहेगी। हवाएं बदल रही हैं, यह इशारा है कि सूखे का मौसम खत्म हो रहा है। मैदानों में बड़े बड़े तूफान बन रहे हैं। आखिरकार बारिश आई। पानी के आने से हरियाली छाएगी और तब नए झुंडों का आना तय है। बुरा समय खत्म होने के कगार पर है। कुछ महीनों पहले विल्डबीस्ट ने उत्तर में तंजानिया से अपनी यात्रा शुरू की थी। यह बड़ा प्रवास प्राणी जगत की सबसे लंबी यात्राओं में से एक है। इनमें से कुछ 1000 किलोमीटर से ज्यादा चलेंगे। पंद्रह लाख जानवरों को अब बड़ी चुनौती का सामना करना है। इन्हें मारा नदी पार करनी है। इन्हें पानी में छिपे खतरे का आभास हो चुका है। फैसला हो गया, खतरे का सामना किया जाएगा। ये दैत्यों का घर है। प्रवास यानी द ग्रेट माइग्रेशन एक अनोखी घटना है, पर इसमें हजारों जाने भी जाती हैं। मगरमच्छों के लिए यह बहुत अच्छा अवसर है। ज्यादातर विल्डबीस्ट दूसरे किनारे के चारागाह में पहुंच जाएंगे।
इसी पल का तो शेर इंतजार कर रहे थे। एक साल से शिकार करना हमेशा खतरनाक होता है। वाइल्डबीस्ट के नुकीले सींग इसे गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। विशाल चर्न आखिरकार टोपी मैदानों में लौट आया है। शेर के परिवार के लिए ये भूख के खत्म होने का समय है और शावकों के पढ़ने का अवसर। उत्तर में एक कठिन और अज्ञात मीटिंग के बाद हाइना इन मैदानों में नया जीवन लेकर आए हैं। शहजादी ने जन्म लिया है। झुंड बढ़ रहा है, नए सदस्य जन्म लेकर इसे और मजबूत कर रहे हैं। ये साथ साथ शिकार करेंगे, सवाना में घूमेंगे और शेरों से लड़ाई करेंगे। टोपी मैदानों का परिवार भी दोबारा बढ़ गया है। ये फिर से एक विशाल संयुक्त परिवार बन जाएंगे। ये नन्हे शावक अपने माता पिता के शक्तिशाली बोध का जीता जागता उदाहरण है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अपनी हिम्मत के बल पर मां खाना जरूर लेकर आएगी और ये असाधारण परिवार फलता फूलता रहेगा।